इंडिया में टोटल 100 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आते हैं, और आने वाले कुछ सालों में करीब और 15 एयरपोर्ट्स ऐड होने वाली है, जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गुजरात के धोलेरा में बनती हुई धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर महाराष्ट्र की नवी मुंबई में बनती हुई डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन सभी एयरपोर्ट में एक चीज़ कॉमन है कि सभी एयरपोर्ट के चलते आसपास के एरियाज में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने वाली है या फिर हो रही है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो या फिर इंडस्ट्रीज, जैसे नई नई सड़कें, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल पार्क्स। और कनेक्टिविटीज की बात करें तो नई एक्सप्रेसवेज या फिर रेलवेज की कनेक्टिविटी। लेकिन इन सभी अपकमिंग एयरपोर्ट्स में से डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक लौता ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ पे आपको एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, मेट्रो और तो और वाटरवेज का भी कनेक्टिविटी दिखने वाली है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया में ये एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट होने वाली है जहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर तक जाने वाली है, और साथ ही साथ इंडिया में फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट के अंदर APM यानी ऑटोमेटेड पीपल मूवर का भी फैसिलिटी रहेगा इस एयरपोर्ट पे। तो डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एयरपोर्ट के उन कनेक्टिविटीज की क्या क्या डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लास्ट अपडेट पे हमने मई 2024 तक की प्रोग्रेस देखा था, जहाँ पे काफी सारे डेवलपमेंट्स हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो आपको क्लियरली एयरपोर्ट की रनवे भी दिखने लगेगा, जहाँ पे मार्किंग्स का काम भी शुरू हो चुका है। अब कनेक्टिविटी पे आए तो इस एयरपोर्ट के डिजाइन के हिसाब से ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही साइड से एयरपोर्ट के अंदर एंट्रेंस रहने वाली है। फर्स्ट आते हैं ईस्टर्न साइड पे यानी पनवेल की तरफ। अगर डिजाइन देखेंगे तो वेस्टर्न साइड पे कार्गो टर्मिनल साइड से एक एंट्रेंस होने वाली है, जहां क्रीक के ऊपर एक इंटरचेंज रहेगा जो इस साइड पे NH 548, इस साइड से एयरपोर्ट की नॉर्दर्न साइड के रोड पे, और ये आगे जाकर कनेक्ट होने वाली है खांदेश्वर स्टेशन पे। और तो और नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 भी इसी साइड में जाकर कनेक्ट होने वाली है इस एयरपोर्ट में। तो अब समझते हैं एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या है। यह एयरपोर्ट की ईस्टर्न साइड और कार्गो टर्मिनल के साइड से आप देख सकते हैं एंट्रेंस रोड का काम अभी चालू है। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद यहाँ पे आगे की रोड का काम भी शुरू हो चुका है, जहाँ इस क्रीक के ऊपर एक ब्रिज का भी निर्माण कराया जाएगा, और आप देख सकते हैं अभी फाउंडेशंस का ही काम चालू है। फिर इस सर्किल से लेफ्ट की तरफ ये रोड वापस क्रीक को क्रॉस करके एयरपोर्ट के नॉर्थ से होते हुए जाकर कनेक्ट होती है अमर मार्ग पे। और वहां पर भी काफी सारा काम होते हुए दिखेगा। फिर सर्किल से राइट में इस साइड पे NH 348 के ऊपर एक क्लोवरलीफ इंटरचेंज का भी निर्माण करा जाएगा। और ये रोड नॉर्थ में जाकर कनेक्ट होगी खांदेश्वर स्टेशन में। बाकी मेट्रो लाइन 1 को भी एक्सटेंड करा जाएगा तालुजा से खांदेश्वर तक, जो है नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 का फेज 2। जैसे जैसे कुछ डेवलपमेंट होती है तो हम उसे भी कवर करेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट के वेस्टर्न साइड पे डिजाइन पे गौर करें तो अटल सेतु से आपको एक लिंक रोड दिखेगा जो सीधा जाकर कनेक्ट होती है अमर मार्ग पे, और ये लिंक रोड है उल्वे कोस्टल रोड जो उल्वे सिटी के नॉर्थ से गुजरती है। खैर नवी मुंबई के कोस्टल रोड पर भी हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब एयरपोर्ट पे वापस आए तो एयरपोर्ट के वेस्टर्न एंट्रेंस पे अमर मार्ग के ऊपर एक इंटरचेंज का भी निर्माण होने वाली है, और यहाँ पे है
तारगर रेलवे स्टेशन, जिसके ऊपर आपको एक मेट्रो लाइन भी दिखेगा जो सीधा एयरपोर्ट के अंदर तक जाने वाली है। तो अभी देखते हैं करंट प्रोग्रेस क्या है। फर्स्ट उल्वे कोस्टल रोड पर आए तो अभी आपको ज्यादातर जगह पर इनिशियल कुछ काम होते हुए दिखेगा, जहां पे आगे में कुछ जगह पर पाइलिंग और फाउंडेशंस का भी काम शुरू हो चुका है, साथ ही साथ कुछ पाइल कैप्स का भी निर्माण शुरू होते हुए दिखेगा। आगे ये रोड तारगर स्टेशन के वेस्ट से लेफ्ट जाते हुए कनेक्ट होती है अम्र मार्ग पे। जहां से आपको एयरपोर्ट की नॉर्दर्न साइड के रोड पर एक्सेस मिलने वाली है। और तो और सर्विस रोड के जरिए आप अमर मार्ग पर भी जा सकते हैं। जहां से आप एयरपोर्ट के वेस्टर्न एंट्रेंस पे जा पाएंगे। बाकी वेस्टर्न एंट्रेंस पे आपको काफी सारे पाइलिंग और फाउंडेशंस का भी निर्माण का काम चलते हुए दिखेगा। जहां पे एक इंटरचेंज का भी निर्माण होगा। इनफैक्ट एयरपोर्ट के अंदर में भी आपको मल्टीपल फाउंडेशंस का काम शुरू होते हुए दिख जाएगा। और इस निरीक्षण में आपको फ्यूचर में एलिवेटेड मेट्रो का भी निर्माण होते हुए दिखेगा, जो दोनों टर्मिनल के बीच से गुजरेगा, जो फ्यूचर में कुछ ऐसा दिखने वाला है, जिसमें मेट्रो लाइन 8 कंफर्म है, जो एग्जिस्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। बाकी सुनने में आया था कि मेट्रो लाइन 2 भी को भी एक्सटेंड करा जाएगा इस एयरपोर्ट तक, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है। खैर, अब APM के बारे में बात करें तो APM का मतलब है ऑटोमेटेड पीपल मूवर, जो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एयरपोर्ट के अंदर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए। बट उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे एयरपोर्ट के सेकेंड थर्ड फेज कम्प्लीट होगा वैसे वैसे होता जाएगा। और वाटरवेज के जरिए जो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्ट में ऑलरेडी एक पैसेंजर वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल अवेलेबल है। हालांकि ये अभी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर पॉसिबल है कि इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ये था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। बाकी और भी कई सारे एग्जिस्टिंग रोड्स अवेलेबल है, जो फ्यूचर में इस एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी में काफी अहम भूमिका निभाने वाली है, जिसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।